वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। ये एक बहुत ही दुखद खबर है। इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड टू जवान्स किल्ड इन लद्दाख स्कफल, कैजुअल्टीज ऑन चाइनीज साइड ऑल्सो। हमारे एक आर्मी ऑफिसर और जो टू जवान्स हैं, टू सोल्जर्स हैं, वो लद्दाख डिस्प्यूट के अंदर कैजुअल्टी हुई, वायलेंट एक तरीके का फाइट हुआ और उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। अगर हम इस पूरे इशू को ध्यान से देखें तो इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल ही रहा है। ये आप इस वीडियो के अंदर इमेजेस देख सकते हैं। इंडिया और चाइना का जो LAC बॉर्डर है वहाँ काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन क्रिएट हो रखी है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो है गलवान वैली। गलवान वैली का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। अब ये जो गलवान वैली इशू है, यहाँ से प्रॉब्लम क्या हुई, गलवान वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा था। डी एस्केलेशन प्रोसेस, इसी डी एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ दोनों ही ट्रूप्स के बीच में, यानी कि इंडिया और चाइनीज जो दोनों ट्रूप्स हैं उनके बीच में एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ, यानी कि एक साइड इंडिया, दूसरी साइड चाइना, दोनों के बीच में हो गया वायलेंट डिस्प्यूट। और इस वायलेंट डिस्प्यूट के अंदर इंडियन साइड से लॉस हुआ हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और दो जवान, ये शहीद हो गए। ये फर्स्ट ऐसा इंस्टेंस है 1975 के बाद जब LAC पर कोई कैजुअलिटी हुई है, यानी कि आफ्टर 1975 दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कैजुअलिटीज अलोंग द LAC। अब आर्मी यानी कि डिफेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंग मेजर जनरल लेवल पर कमांडर की एक मीटिंग चल रही थी और उसी बीच में क्लैश हुआ। ठीक है, चाइनी की अगर बात करें, चाइनीज साइड की, तो चाइनीज साइड का कहना क्या है, चाइना ने इंडिया को ये अक्यूज़ कर दिया है। चाइना एक्यूज़ इंडिया ऑफ क्रॉसिंग द बॉर्डर। चाइना ने कहा है कि इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया। हालांकि चाइना ने अभी तक अपनी साइड से कैजुअल्टीज़ को कन्फर्म नहीं किया कि उनके साइड पर कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन इंडिया को उन्होंने एक्यूज़ किया कि इंडिया ने ट्वाइस यानी कि दो बार बॉर्डर क्रॉस किया, चाइनीज़ पर्सनल्स को अटैक किया और इसके कारण सीरियस फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों साइड। अब यहां चाइना क्या कह रहा है, चाइना ये कह रहा है कि एक्यूज्ड इंडिया है। दूसरी बात, इंडिया एक्यूज्ड भी है और इंडिया ने यूनिलैटरली वायलेट भी कर दिया है। इंडिया, चाइना, अब चाइना का क्लेम ये है कि इंडिया ने यूनिलैटरली वन साइडेड बॉर्डर क्रॉस करके चाइनीज सोल्जर्स पर अटैक कर दिया, चाइना ने इसमें कुछ नहीं किया, प्लस चाइना डीएस्केलेशन प्रोसेस को रन कर रहा था, पीस मेंटेन कर रहा था, और अगर इसी तरीके के स्टेप्स लिए गए तो ये जो पीस मेंटेन करने का प्रोसेस है, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि LAC के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व करने का प्रोसेस है, वो फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने का है, गलवान वैली के लिए चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ से क्या चीज़ क्लियर होती है कि मे बी कि चाइना कोई ना कोई इशू ऐसा क्रिएट करेगा कि ये डिस्प्यूट बढ़ जाए, वॉर की तरफ ये जाए, क्योंकि गलवान वैली से चाइना पीछे हटना नहीं चाहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।